देवी और सज्जनों, कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात राम अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। राम कथा केवल एक आख्यान नहीं है, वह राम के माध्यम से मानव जीवन के उच्च नैतिक आदर्शों को, मर्यादाओं को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का माध्यम भी है। एक पुत्र, एक शिष्य, एक भाई, मित्र और राजा के रूप में आदर्श जीवन, मर्यादापूर्ण जीवन कैसे जिया जाए, इसके उदाहरण के रूप में राम का जीवन प्रस्तुत किया गया। इन मर्यादाओं को निभाने के कारण ही प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया। गांधी जी का जीवन भी एक आदर्श जीवन का उदाहरण है। गांधी जी के मन में राम नाम के प्रति श्रद्धा के बीज बोने वाली उनकी दाई रंभा थी। इसका उल्लेख गांधी जी ने खुद अपनी आत्मकथा में किया है। आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह की कठिनाइयों में राम नाम मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा बनता है, ऐसी श्रद्धा गांधी जी ने अपने लेखों में प्रकट की है। गांधी जी राम नाम को जीवन का आधार और आत्मा का संबल मानते थे और ये भी मानते थे कि केवल राम का नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है, नाम जपने के साथ साथ परिश्रम भी जरूरी है। गांधी जी कहते थे, मैं उनके जो उन्होंने कहा था उसको मैं कोट करता हूँ, उन्होंने कहा था कि मनुष्य के विकास के लिए परिश्रम करना अनिवार्य है, फल का विचार किए बिना परिश्रम करना जरूरी है, राम नाम या वैसा ही कोई पवित्र नाम जरूरी है, महज लेने के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए, प्रयत्नों को सहारा पहुंचाने के लिए और ईश्वर से सीधे सीधे रहनुमाई पाने के लिए। इसीलिए राम नाम का उच्चारण कभी परिश्रम के बदले काम नहीं दे सकता, वह तो परिश्रम को अधिक बलवान बनाने और उसे उचित मार्ग पर ले चलने के लिए।